एनके सरकार मुर्दाबाद, पाकिस्तान 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 मुर्दाबाद, एनके गवर्नमेंट मुर्दाबाद, एनके गवर्नमेंट मुर्दाबाद, एनके गवर्नमेंट मुर्दाबाद। सर पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, जो हमारी जो अर्जेंट मिनट जहां की है, जो वहां पर बॉर्डर से जो लोग वहां से बेघर हो रहे हैं और जिनको हमारी सरकार की ओर से कोई भी फैसिलिटी नहीं है, हेल्थ का इतना बुरा हाल है कि वहां पर कोई एम्बुलेंस नहीं जाती है, जो जख्मी लोग हो रहे हैं बेचारे, हमारे भाई छोटे बच्चे जो बेचारे वहां पर मर रहे हैं और त्राही त्राही कर रहे हैं, कोई एम्बुलेंस का, कोई हेल्थ का, कोई उनके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है, और जहां पर वो लोग अपने घर से बेघर होकर जा रहे हैं उनके लिए कोई अकोमोडेशन का कहीं भी कोई कैंप वगैरह कुछ नहीं है, और कितने 2-3 लाख लोग जहां पर अपने घरों से वो निकल चुके निकल गए हैं और आगे रहने के लिए उनके लिए कोई स्थान नहीं है, वहां पर 15 कैंप इन्होंने कोई लगाए हुए हैं, उनमें वो हमें कोई जो सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव जो है ये हमें बताएं कि वो 15 कैंप्स में जो लोग इतने लोग 2 लाख लोग वो कैसे उनमें वहां पर एडजस्ट हो सकते हैं, और उनके लिए कोई खाने पीने की सुविधा नहीं है, और गवर्नमेंट हमारी जो है हमें तो कुछ उनके लिए वो करती हुई नजर नहीं आ रही है, कोई वहां पर फैसिलिटी उनके लिए कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रही है, इसलिए जो सरकार से हमारी जो सरकार जो है ये इनके इससे हमारी बहुत ही रिजेंटमेंट वहां पर, और खाने पीने का ना ही कोई प्रबंध है, ना हेल्थ का है, ना कोई अकोमोडेशन का है, और हम तो बॉर्डर पे पहले भी जब कारगिल युद्ध हुआ था उस वक्त भी हम 4-5 लोग वहां पर जहां से गए थे वहां पर पूरा देख के आए थे, और अब भी हम खुद ये जितना भी हमारा यूथ वहां पर गया था वो देख के आ रहे हैं कैसे लोगों की इतनी बुरी हालत हो रही है, और कोई पता ही नहीं चलता उनको, सुबह वो चलते हैं शाम तक उनको खाना नसीब होगा नहीं होगा, रहने के लिए कहीं अकोमोडेशन मिलेगी नहीं मिलेगी, कहां पर रहना पड़ेगा, इसलिए हमारी सरकार से जे हमारी जे विनती भी है कि जो जे सरकार जहां पर बनी हुई है जहां पर जो जे हमारे जहां पर रिप्रेजेंटेटिव वहां पर है वो उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर करें, लेकिन लोगों में इसका इस बात के लिए बहुत ही गुस्सा है, बहुत ही रिजेंटमेंट है, और मैं आपका शुक्रिया। हम सारे यूथ के लोग, हमारे जितने भी लखनपुर के सारे निवासी इसलिए एकत्रित हुए थे कि आने जो हमारे यहाँ पे बॉर्डर पे गोलाबारी हुई है, सरकार इसमें बिल्कुल भी सरकार का 1% योगदान नहीं है, विफल हुई है सरकार, फेल हुई है इस मसले में, लोगों को ना ही कोई मेडिकल सुविधा उपलब्ध हो रही है, ना ही कोई खाने की सुविधा उपलब्ध हो रही है, और ना ही जहाँ से रहने की कोई सुविधा उपलब्ध, 2 लाख लोग वहां से बेरोजगार करके इन्होंने कैंपों में लाया गया है, 15 कैंप लगाए हैं, 15 कैंपों में कैसे 2 लाख लोग आप एडजस्ट कर सकते हो, हम जो चाहते हैं सरकार के, सरकार तो फेल हो चुकी है पर अभी अगर थोड़ी सी भी इसमें कोई शर्म बाकी है तो इन लोगों का साथ दे, गाइयां भी उधर बुरी हाल है, हमारी गौ माता है वो भी आधी से ज्यादा मर गई है, उनके लिए भी कोई प्रबंध नहीं है कि वो वहां से कैसे निकाली जाए, उनका कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, लोगों को कैसे ट्रीटमेंट किया, जो इसको इधर इस बॉर्डर पे जैसे हीरानगर बॉर्डर पे लग रही है उसको जम्मू में लेते लेते जरा आधे रास्ते में वो वहीं पे पूरा हो जाएगा, उसके लिए क्या प्रबंध किया गया सरकार ने, कि क्या कठुआ में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, क्या हीरानगर में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, एम्बुलेंस कोई ऐसी नहीं है, या हम सरकार के खिलाफ हैं, हम चाहते हैं सरकार इसके तरफ ध्यान दे, और जय हिंद जय भारत।